देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ये, सबसे इम्पोर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे, और ये हर जगह यूज होगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होगा, मतलब इस चैप्टर में यूज नहीं होगा, जहां भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, इवन अगर आपके फिजिक्स कैलकुलेशन में, केमिस्ट्री कैलकुलेशन में या अदर किसी मैथ्स के ही चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, तो वहां के लिए भी ये यूजफुल है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, दूसरी चीजें आएंगी, बाकी स्ट्रेट लाइंस आएंगी, वहां भी यूज होगा। तो हमारे पास क्या है, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरा है 0 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान से, इधर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम इसे प्लस थीटा कहते हैं, ये है मेरा 90 डिग्री। अगर इस 90 में से मैं माइनस करता हूँ तो हम कहते हैं 90 माइनस थीटा, और आपने बचपन में यानी कि 10th में ये पढ़ा है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मैं इधर जाऊँ थोड़ा सा तो प्लस करूँ कुछ, तो ये 90 प्लस थीटा होगा, और अगर मैं 180 में से कुछ माइनस करूं तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये मेरा 180 है। अगर 180 में कुछ प्लस करूं तो ये 180 प्लस थीटा होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, वरना इतने सारे फॉर्मूले हैं कि फॉर्मूलों के नाम से डरने लगोगे कि इतने करेंगे कैसे। तो हम फॉर्मूलों को सबको खत्म कर रहे हैं, सिर्फ 3 ही स्टेप्स में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये हमारा 270 है, अगर हम 270 से कुछ माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएंगे, और ये हमारा 270 में अगर प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उसकी पोजीशन ध्यान रखनी है कि भाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो प्लस थीटा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा मैं कहूँ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप कहोगे सर वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो सिर्फ आपको उसकी पोजिशन देखनी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये हमारा 360 है, फाइनल एक रिवोल्यूशन हो गया, कंप्लीट एक चक्कर हो गया, तो 360 पे आप आ गए, तो 360 से अगर आप माइनस करेंगे तो वो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर 360 में कुछ प्लस करेंगे तो वो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। और अगर आप थीटा को इधर लेते हैं यानी कि क्लॉकवाइज, तो थीटा आपका माइनस थीटा होगा। ये आपके पास एंगल्स के फॉर्मेशन हो सकते हैं, एंगल के टाइप्स हो सकते हैं। अब आप प्लीज ध्यान से देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस थीटा तो होता ही होता है, ठीक है, 90 माइनस थीटा होता है और 360 प्लस थीटा होता है। मैं आपसे कहने लगूँ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। मैं आपसे कहने लगूँ सर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। मैं आपसे पूछूँ कि सर आप मुझे ये बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, तो 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले जरूरी आपको यही है कि आपको इनकी लोकेशन पता हो, पोजीशन पता हो। सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? ठीक यस सर, यस है यस सर, आइए जरा अब इन दो चीजों को मिला दीजिए। हमने दो चीजों को किस किस को मिलाना है ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ पेन चलाते रहो, थोड़ा बहुत देखते रहो, लिखते रहो, इन्वॉल्व रहो, यस नो करते रहो, तो थोड़ा सा आप भी बिजी रहोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, मैंने जो अभी आपसे कहा कि पिछली एक क्लास पे हमने पढ़ा था, आज भी याद रख लीजिए कि अगर हमारे पास ये दो चीजों को मैं मिला रहा हूँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, थर्ड में सिर्फ टैन एंड कॉट, एंड लास्ट वाले में कॉस एंड सेक, ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरा जो अभी मैंने आपसे कहा कि थीटा प्लस थीटा कह लीजिए, 360 प्लस थीटा कह लीजिए, ठीक है सर शॉर्ट कर रहा हूँ मैं से, और 90 माइनस थीटा कह लीजिए, ये मेरा जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा जो आएगा वो सेकंड में आएगा, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा थर्ड में आएगा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा ये आपका फोर्थ में आएगा। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। अब जरा आइए यहाँ पे कि हमारे पास क्या था जो हमने 10th में सीखा था उसी से हम बना लेते हैं, आपको कोई 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या बना लेते हैं कि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता था कॉस थीटा में, 10th में जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, और कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में, यस और नो? पढ़ा था ये आपने कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यस सर, और कॉस यस 90 सर, माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अब यहाँ भी इसको शॉर्ट कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्या था, होता ये था कि भाई साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और इसका रिवर्स कॉस चेंज हो जाएगा साइन में।
टेन जो है टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट जो है कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, एंड कॉसेक जो है कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, एंड सेक जो है चेंज हो जाएगा कॉसेक में। मैं इसकी बात लाइए यहाँ बैठे हुए, तो ये हमारे पास है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए कि रेशियो चेंजेस इन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रेशियो चेंजेस इन, तीन स्टेप समझ लीजिए, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे कि अगर रेशो चेंज होंगी तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसक सेक में, सेक कॉसक में। दूसरी चीज, रेशोज कब चेंज होंगी, रेशोज चेंजेस फोर, जागते रहिए तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। कब चेंज होंगी प्लीज ध्यान से देख लीजिए, 90 के लिए चेंज होती है, 90 माइनस और प्लस, माइनस का फॉर्मूला तो आप टेंथ में भी सीख चुके हो, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के लिए भी रेशो चेंज होगा। और ध्यान से देख लीजिए 90 का ऑड मल्टीपल 270, 270 माइनस प्लस थीटा, सिर्फ इनके लिए रेशो चेंज होंगे, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा प्लस थीटा के लिए 180, माइनस माइनस प्लस थीटा के लिए 360, अच्छा यहाँ माइनस थीटा भी लिख देता हूँ, इनके लिए चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस थीटा 180 माइनस प्लस थीटा एंड 360 माइनस प्लस थीटा, इनके लिए कोई रे चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा वो समझ लीजिए इस चीज को, ध्यान से देख लीजिए, तीन स्टेप हैं ठीक है। एक तो स्टेप ये वाला है कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन सा किस क्वाड्रेंट में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, रेशो चेंज होगा तो किस में होगा, और तीसरा स्टेप, रेशो कब चेंज होगा अभी हम देखेंगे। अब जरा यहाँ देखो, मैंने मेरा मकसद कहने का क्या है, यहाँ से आपको इसकी लेंथ का पता चलेगा क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं लिख सकता हूँ साइन प्लस थीटा, प्लस थीटा का कोई सेंस नहीं है, साइन थीटा ही होता है और आपको पता भी है, साइन प्लस थीटा इज नथिंग जस्ट साइन थीटा। एक मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, एक मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, एक मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, एक मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस थीटा, एक मैं लिख सकता हूँ साइन 270 माइनस थीटा, एक मैं लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस थीटा, मैं लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, और मैं लिख सकता हूँ साइन 360 प्लस थीटा, और एक मेरे पास रेशो हो सकता है साइन माइनस थीटा। तो बताओ कितने रेशो हो जाएंगे, ठीक है सर, कितने हैं हमारे पास ये फॉर्मूले, मतलब मैं आपसे कहूँ तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन और ये टेन। तो साइन के लिए टेन है, और रेशो कितने हैं हमारे पास, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसक सेक कॉट, छह रेशो हैं, तो 10 6 60 फॉर्मूले हो सकते हैं ठीक है। और आपको जो आता है, आपको सिर्फ इतना आता है कि साइन थीटा तो साइन थीटा ही होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये जो बाकी मैंने लिखा है ये कहा है, तो ये है असल ट्रिग्नोमेट्री जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसके लिए ये मैंने ऊपर पूरी कहानी बयान करी, समझ में आ गया सर। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप कुछ भी कर सकते हो फिर इंशाल्लाह, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला, ये जो 90 माइनस है, 90 प्लस है, 180 माइनस है, 180 प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा, अगर क्वाड्रेंट में है तो यहाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा, ये चेंज होगा या नहीं होगा, समझ में आ गया। तो आपको कोई सा भी अगर पढ़ना है तो आप अपने आप से तीन क्वेश्चन पूछोगे, मैं पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है साइन 90 प्लस थीटा, सब बच्चे जरा ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है रेशो चेंजेस फोर, तो सबसे पहला यही करना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो 90 और 270 के लिए चेंज होता है, नो चेंज फॉर अदर्स, नो चेंज फॉर अदर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से यही पूछोगे, क्वेश्चन नंबर वन। अब आप मुझे बताओ 90 के लिए रेशो चेंज होता है या नहीं होता है। हाँ भाई, होता है सर, पहला क्वेश्चन। दूसरा 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 स्टेप क्या है कि जो चेंज होगा वो किस में होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाए, बस इतनी सी बात है ठीक है सर। अब जरा खुद सोचिए, मैंने आपसे कहा है साइन, अभी आगे नहीं पढ़ा मैंने, ये चलो यही खत्म कर देते हैं इसको। मुझे ये बताइए साइन 90 प्लस थीटा, इसको पूरा ही कर, साइन 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड ठीक है, तो आपका थर्ड हो गया क्वाड्रेंट, सेकंड,
क्वाड्रेंट, ठीक है सर। क्वाड्रेंट होता है साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, वो सेकंड होता है। तो बताओ सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यहाँ हम पॉजिटिव लगाएंगे। अब जरा यहाँ ध्यान से देख लीजिए, सब बच्चों को तो कंफ्यूजन कॉस होता है। नेगेटिव होता है। अरे सुन लो ना पहले, अब यहाँ सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो इन्होंने बोला वही सुनाना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है, आप चेंज कर रहे हो साइन को, ठीक है। तो अगर साइन को चेंज कर रहे हो तो साइन मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसकी वजह से साइन लगना है। चेंज होके कॉस आया है, उसकी वजह से साइन नहीं लगना है। समझ में आ गया? ये सब बच्चों को कंफ्यूजन होगा। हम कह रहे हैं 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन नेगेटिव पॉजिटिव है, बट सर सामने तो कॉस आ रहा है, तो कॉस नेगेटिव। भाई कॉस नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है। 90 प्लस थीटा कौन से वाले एंगल के साथ है बताओ? 90 प्लस थीटा कौन से एंगल के साथ है, साइन के साथ या कॉस के साथ? साइन 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 के के साथ। साथ। तो साइन को देखना है सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो आपका साइन लगेगा प्लस या माइनस, वो लेफ्ट साइड की वजह से लगेगा, ना कि राइट साइड की वजह से। सब बच्चों को समझ में आ गया? ये हर जगह डाउट हो गया। कभी भी चेंज करेंगे राइट साइड कुछ और होगा, आप उसकी वजह से साइन पुट करोगे? नहीं, साइन हमेशा लेफ्ट साइड वाले की वजह से आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड साइन इज पॉजिटिव, दैट्स इट। बस ये तीन क्वेश्चन पूछने, तीन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, राइट साइड में देख लो रेशो चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और रेशो चेंजेस किसके लिए होगा, मैं निशान लगा देता हूँ। रेशो चेंजेस होगा सर जी 90 के लिए, 90 के लिए, ठीक है सर। रेशो चेंज होता है 90 के लिए, और रेशो चेंज होता है 270 के लिए, बाकी किसी के लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्लस थीटा 90 के लिए होगा, ठीक है। 90 माइनस के लिए, 90 प्लस के लिए, और 180 के लिए मैंने गलत लगा दिया, 180 वाले के लिए नहीं होगा। तो आपके लिए क्या होगा, 270 के लिए, बाकी किसी के लिए चेंज होना ही नहीं। चेंज नहीं होने का क्या मतलब है, सुन लीजिए। हमारे पास क्या है, ये साइन 180 माइनस थीटा है, तो ये 180 है, तो यहाँ रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन है तो ये साइन ही रहेगा। पहला क्वेश्चन, क्या ये चेंज हो रहा है, अपने आप से पूछना है। चेंज कब होता है, 90 to 70, तो ये 180 है, चेंज नहीं हो रहा। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। जब चेंज नहीं हो रहा तो फिर ये भी बात खत्म हो गई कि साइन किस में चेंज होगा। अब सिर्फ दूसरा तीसरा वाला बचता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा। आगे समझ में? यस सर। अब खुद बताओ 180 प्लस थीटा चेंज होता है या नहीं होता? 180 प्लस थीटा 180 नहीं में होता चेंज होता सर, है? नहीं होता। तो नहीं साइन होता रिमेन सर। साइन। बहुत सर, नहीं होता। क्वाड्रेंट कौन सा है 180 प्लस? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में थर्ड साइन थर्ड नेगेटिव नेगेटिव, या शाबाश। नेगेटिव बताओ 270 में चेंज होता है या नहीं होता? होता होता है, किस में होता है, चेंज होता है? होता है कॉस में। कॉस में। 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड 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 में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, माइनस। शाबाश। चलो 270 प्लस, बताओ चेंज होगा या नहीं होगा? नेगेटिव चेंज होगा या नहीं होगा? सर चेंज होगा, होगा सर। साइन किस में चेंज होगा? नेगेटिव। अरे चेंज किस में होगा? कॉस में। कॉस में। तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछने। चेंज होगा यस, किस में होगा वो बताओ, और क्वाड्रेंट कौन सा है, बस खत्म कहानी। फोर्थ। क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 प्लस साइन। फोर्थ। फोर्थ में नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव। अरे नेगेटिव नहीं सर, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। साइन साइन से पहले और दूसरे में पॉजिटिव है, बाकी तीनों यस दोनों सर। में नेगेटिव है, ठीक है। अब हमारे पास देखो साइन 360 माइनस, 360 में चेंज होता है नहीं होता? नहीं होता नो सर, इतना नहीं नहीं सोचना होता चेंज। 90 to 70 में चेंज होता है बस। तो 360 में नो यस चेंज, सर। साइन रिमेन साइन, क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में नेगेटिव। 360 प्लस नो चेंज, क्वाड्रेंट अब ये कौन सा हो गया 360 प्लस? फर्स्ट 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 में ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव। माइनस थीटा चेंज होगा नहीं होगा? माइनस थीटा चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा भाई। 90 to 70 में होता है, इतना मत डरा करो। 90 to 70 में होता है बस, नो चेंज। माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ फोर्थ में साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव आया। कुछ समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस जरा जरा एक बार जरा एक बार इन 10 के 10 को पेन से लिख लो जल्दी से, फटाफट। थोड़ा दिमाग चलेगा, एक्टिव हो जाओगे। लिखो जल्दी से, फिर सारे अपने आप करते हैं। चलिए लिखो पेन से जरा।
बिते आपसे, हम क्या कह रहे हैं आपसे बिता जी कि हमने अभी ये सीख लिया, अब जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें समझ में आया या नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे बताओ कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा। हमने आपसे कहा ना हर रेशो के लिए 10 फॉर्मूले हैं, साइन के लिए 10, कॉस के लिए 10, कोसेक के लिए 10, तो 60 फॉर्मूले हैं। अब 60 कैसे कैसे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए। हम दिन सिर्फ तीन लाइन आपको बताएं, अब आप खुद से पूछो कि क्या 10 180 में चेंज होता है या नहीं होता। तीन क्वेश्चन अपने आपसे पूछने, नहीं होता, नो नहीं, नहीं होता, तो 10 रिमेंस 10, यस और नो। यस, पहली चीज, अगर चेंज नहीं होता तो फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप खत्म हो गया कि किस में चेंज होता है। अब बचा तीसरा क्वेश्चन कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। आपको बस ये याद रखना है ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव। अब आप ये बच्चे से ध्यान रखिए, एक्चुअली क्या है, हर एक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो में नेगेटिव है। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इस चीज को भी सीख लीजिए। तो ये 10 180 प्लस थीटा पॉजिटिव होगा। तो पहले एक चीज समझ लीजिए बेटे, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे साइन 10 कॉस कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक, तो इसका मतलब साइन एंड कोसेक सेकंड में पॉजिटिव है और फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव। अब इसी तरह से यहाँ जाओ, यहाँ 10 पॉजिटिव है, तो अगर 10 पॉजिटिव यहाँ है तो 10 यहाँ भी पॉजिटिव है, तो दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ जाओ कॉस, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो दो में पॉजिटिव होता है हर रेशियो, दो में नेगेटिव होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा, ऐसा नहीं कर पाओगे कि तीन में पॉजिटिव कर दो या तीन में नेगेटिव कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, फिर सोचो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कॉस माइनस थीटा क्या होगा। खुद से पूछो माइनस थीटा में रेशियो चेंज होना है या नहीं। नो सर, नहीं होना है, तो कॉस ही रहेगा। हाँ बोलो बेटा, अदीबा बोलो। सर कॉस थीटा होगा। हाँ कॉस थीटा होगा, लेकिन अब सोचो दो चीजें पूछनी है अपने आप से, जब चेंज हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, शाबाश, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यस, अब बताओ सब बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया। यस सर। आओ एक दो और देख लो, फिर इसका यूज देखेंगे। शाबाश, मैं आपसे कह रहा हूँ कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 180 में चेंज होगा या नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा, कॉसेक ही रहेगा बेटे। वेरी गुड, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड, सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव। यस ऑब्वियस, आपको समझ में आया। यस सर, अब आओ, चलो अब शाबाश, अब यहाँ आ जाओ, अब इसका यूज करते हैं। ये तो हमने सीख लिया, अब इसका यूज कैसे कैसे करते हैं थोड़ा सा याद रखना, कि मुझे टेबल आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 0, 30, 45, 60 की वैल्यू, सब बच्चे इधर देख लो जरा ध्यान से, 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज हमें आती हैं। अब इनके साथ अगर हम प्लस लगा दें और हम माइनस लगा दें, प्लस का तो आपको पता ही है, ठीक है, प्लस लगा दें माइनस लगा दें, तो हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहले मैं माइनस ही निकाल लेता हूँ, चलो मैं आपसे कहने लगूं बताओ सर साइन माइनस 30 क्या होगा। चलो पहले इसी को देख लेते हैं कि प्लस माइनस लगाते ही क्या हो जाएगा। अब बताओ, फिर वही दिमाग में रखना, कुछ नहीं सोचना है कि भाई साइन माइनस थीटा है, ये साइन माइनस थीटा, तो चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर, तो साइन ही रहेगा बेटे, साइन 30 ही रहेगा, ठीक है। अब सोचना है माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 30 होता कितना है, ये सोच के चलना है क्या होता है, माइनस 1/2। सबको समझ में आया। यस यस सर, दैट्स इट, इतना सिंपल है बस। आओ चलो देखो और देखते हैं कुछ थोड़ा सा, तो ये माइनस, तो इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इन सारे के साथ प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस से भी इम्पोर्टेंट क्या है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है 90 माइनस प्लस, हमने क्या सीखा है 180 माइनस प्लस, हमने क्या सीखा है 270 माइनस प्लस, हमने क्या सीखा है 360 माइनस प्लस, और माइनस प्लस तो सीखा ही है। तो अगर हम एक एंगल लेफ्ट साइड से ले लें और एक राइट साइड से ले लें, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतनी सारी वैल्यूज अब हम सीख सकते हैं, एक लेफ्ट से और एक राइट से, बीच में ये प्लस माइनस है, ठीक है। क्या मतलब है, मैं आपसे कहूँ भाई मुझे तो सबसे पहले सर आप साइन 120 की वैल्यू बताओ। अब आप सब बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि चॉइस आपकी अलग अलग रहेगी,
कुछ बच्चे हो सकते हैं कहेंगे साइन 90 प्लस 30, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर साइन 180 माइनस 60, सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, दोनों ही वैल्यू सेम रहने वाली, बस हाँ ये है कि आपको सही से निकालना आता हो। कोई बच्चा मुझे बताएगा साइन 90 प्लस 30, फोकस करो 90 प्लस 30 पे, 90 में चेंज होता है या नहीं होता है? स्पीड रखनी है लेकिन कंट्रोल के साथ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर कट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो शाबाश, होता है। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस। यस, कॉस में। ध्यान से सुन लो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, 90 का यहाँ कोई वजूद नहीं रहेगा, सिर्फ थीटा का रहेगा, तो कॉस 30। आ गया समझ में या नहीं आया? तो सबसे पहले ये देखना है बेटे कि रेशो चेंज हो रहा है तो क्या आ रहा है। तो साइन चेंज इन कॉस, सिर्फ थीटा पे फोकस करना है, तो थीटा ही आएगा 90, 180, 270, 360, माइनस कुछ नहीं आना, थीटा क्या है उसे उठा के रख दो और साइन को चेंज कर दो, अगर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है तो सेम रख दो, पहली चीज खत्म हो गई। इस चेंज होता है और साइन कॉस में चेंज होता है। अब क्वाड्रेंट सोचो, 90 प्लस 30 क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। आ गया समझ में? जरा नीचे आओ सब बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, बताओ 180 में चेंज होता है या नहीं होता? नो सर, नहीं होता। शाबाश, नहीं होता बेटे, तो साइन ही रहेगा। थीटा कितना है यहाँ मेरा? 60 है बेटे, यहाँ 60 डिग्री है। यस, अब बताओ, अब मुझे बताओ 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। अभी भी सेकंड ही है। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन 60 की वैल्यू बताओ? √3/2। कोई फर्क पड़ा? नो सर। देखो ऐसे, एक और चीज सीखो, शाबाश, आओ देखो, एक चीज और सीखो सब बच्चे, बस फिर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे जो है, आप सब बच्चे ध्यान से देखो, कितने वेरिएशन में चेंज करूंगा। साइन 180 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? साइन 180 की। आप करोगे एक मिनट के लिए, पहले आप खुद करोगे, पहले देख लो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखो, कितनी चीजों में लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 0। मैं कह रहा हूँ नहीं सर, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा साइन 180 प्लस 0। ध्यान से देखो, मैंने ऊपर टेबल क्या बनाई थी, उस टेबल में मैंने 0 लिया था या नहीं लिया था? लिया था सर। ठीक है, तो मुझे 180 चाहिए, तो माइनस 0 भी कर सकता हूँ, प्लस 0 भी कर सकता हूँ, 180 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही करूंगा। अब जरा देखो इधर सब बच्चे ध्यान से, क्या मैं 180 को साइन 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ? यस सर। लेकिन क्या मैं 180 को 270 माइनस 90 लिख सकता हूँ? यस सर। यस, लिखना 0 से sir. लिखना 0 से 90 तक ही है। अब यस सर तो ठीक है, सारे बच्चे खुद करो जरा एक बार, चारों को बोलना नहीं है, चारों को करो, फिर मैं करूंगा, फिर अपने आप को मैच करना कि आपने सही लिखा है या नहीं। ओके सर। तो जल्दी से, इतनी देर में 2 हो जाने चाहिए थे। ठीक है भाई, पहला वाला जो आपके पास है 180 माइनस 0 था तो चेंज नहीं होगा, साइन 0, साइन 0 0 ही होता है। क्वाड्रेंट सेकंड था पॉजिटिव, 0 के लिए प्लस माइनस मायने भी नहीं था, 180 प्लस 0 चेंज नहीं होगा 180 में, तो फिर साइन 0, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट हो गया माइनस साइन 0, माइनस 0 फिर 0, 90 प्लस 90 ठीक है चेंज होगा कॉस 90 में, कॉस 90 0 होता है, क्वाड्रेंट सेकंड था पॉजिटिव, 270 माइनस 90 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस 0 फिर 0, तो ये हमारे पास है, सही है सर। अब जरा ध्यान से देखो सब बच्चे, बस आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपसे कह रहा है प्लीज ध्यान से देख लीजिए, कॉसक ठीक है सर माइनस 270 की वैल्यू निकालो, कॉसक माइनस 270, तो इसमें करना क्या है, पहले माइनस को हटाना होगा, तो पहले आपको कंसिडर करना है माइनस थीटा। अब जरा आप सब बच्चे सुन लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, 270 को ये मत सोचने लगना कि 270 खुद कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है, मुझे 270 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंगल लिखा हुआ हो ये मेरे लिए थीटा है, ये मेरे लिए क्या है? थीटा। थीटा, और थीटा बस मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, थीटा से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि 360 माइनस 7, ये थीटा इज थीटा, थीटा इज जस्ट इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, बस इतनी सी बात है, ठीक है सर। अगर मैं ध्यान से देखो, मैं और चीज बता रहा हूँ, मैं अगर आपसे कहने लगूं कि सर कॉसक 90 माइनस 1000 डिग्री,
और अब आप खुद सोचोगे सर 1000 पड़ेगा कहाँ, सर मुझे कोई मतलब नहीं है 1000 कहाँ पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि 90 माइनस थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सॉरी 90 माइनस थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, ये है 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। रूल जो लगना है बेटे यहाँ पहले थीटा पे वो 90 माइनस थीटा का लगना है, बाद में थीटा क्या होगा उसको बाद में सोचेंगे। तो जैसे मेरे पास ऊपर 270 है तो 270 क्या है अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तो अभी ये सिर्फ थीटा है। तो बताओ कोसक माइनस थीटा में चेंज होता है या नहीं होता? अरे बोला करो ना सर, माइनस नहीं होता भाई, तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछने, अभी जल्दीबाजी मत करो कि डायरेक्ट आंसर बताने लगो, अभी नहीं, अभी लगेगा इंशाल्लाह डायरेक्ट भी बताओगे, तो बस सीधा क्वेश्चन करो कि भाई चेंज होगा नहीं होगा। सर 90-270 में होगा, बाकी किसी में होना ही नहीं है, आंख बंद करके लिख दिया करो सेम, तो ना ना या 90 या ना या 270 भी कौन सा 270 प्लस माइनस थीटा वो वाला, तो यहाँ पे आ गया 270, तो आपके पास क्या आ गया, ये हो गया कोसेक माइनस थीटा, ये चेंज नहीं होगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट सोचो, माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कोसेक क्या होता है? माइनस। माइनस, तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा सर, ये ध्यान रखना है। अब अगर ये माइनस कोसेक थीटा हो गया सर, अब ब्रेक करो 270 को, तो बाहर माइनस जो है उसको थोड़ा ध्यान से रखो और अंदर अब आप ब्रेक कर लो, जैसे भी आप लिखना चाहो, मैं लिख रहा हूँ 180 प्लस 90, आप 360 माइनस 90 भी सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 270 माइनस 0 भी लिख सकते हो, 270 प्लस 0 भी लिख, जो चाहे आप लिख दो। चलो भाई बताओ, मैंने 180 प्लस 90 लिख दिया, तो बताओ कोसेक 180 प्लस 90 180 में चेंज होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो फिर कोसेक ही आएगा, तो फिर कोसेक आएगा, तो कोसेक कितना आएगा 90, लेकिन ये बताओ 180 प्लस 90 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस आएगा, और एक माइनस बाहर भी रखा हुआ है, ध्यान रखना, तो माइनस माइनस प्लस, तो कोसेक 90, बताओ कोसेक 90 क्या हुआ, साइन 90 क्या होता है? वन। कोसेक 90 उसका रेसिप्रोकल होता है, वन का रेसिप्रोकल खत्म कहानी। अगर आप साइन कॉस जानते हैं तो पूरी टेबल जानते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन अपॉन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सब जानते हैं आप अगर आप साइन कॉस को एक बार अच्छे से समझ लो। सर रेशो समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर आ गया। यस सर। अब एक लास्ट लाइन समझ लो सर इसके अंदर बस। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास सम टाइम आएगा 360 का मल्टीपल, 360 का मल्टीपल, ठीक है सर? तो अगर 360 का मल्टीपल आ रहा है कितने भी टाइम, तो आपको उसको कंसीडर ही नहीं करना है, उसकी कोई परेशानी नहीं होती। एन अगर आ रहा है, 360 का मल्टीपल आ रहा है, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इधर देख लीजिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एंगल ये है, सपोज करो 90 माइनस थीटा, ये आपने माइनस कर दिया, तो ये है 90 माइनस थीटा। अब अगर आपने इसको 90 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे 2 × 90 करोगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और जैसे क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है वैसे ही हमारी वैल्यू एटलीस्ट प्लस माइनस तो हो ही जाती है। ये सर नो? यस सर। 180 का अगर डबल ट्रिपल करोगे तो 180 का डबल 360 में पहुंच जाएगा। हाँ भाई, अगर आपके पास एक एंगल 180 माइनस थीटा है, ठीक है सर, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो आपके जो क्वाड्रेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचो अगर मेरे पास एक एंगल जो है सर वो 360 माइनस थीटा है, ठीक है, मान लो मैं आपसे क्या कह दूं, 360 प्लस थीटा है, 360 माइनस थीटा, मैं आपसे कह दूं सपोज करो ये 30 है, और मैं इस 30 को कह रहा हूं सर ये 360 प्लस 30 है, तो क्या 720 प्लस 30 भी यही होगा? यस सर। हाँ भाई, आपने कहा प्लस, आपने कहा प्लस, आपने कहा प्लस, आपने कहा प्लस 30 यही है, तो 360 प्लस 30 भी यही है, 720 प्लस 30 भी यही है, 1080 प्लस 30 भी है या नहीं है? 360 का मल्टीपल करते रहो, लेकिन लोकेशन पोजीशन वही आती रहेगी, अगर लोकेशन पोजीशन वही आती रहेगी तो फिर वैल्यू भी सेम रहेगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर हमारे पास कुछ एंगल्स ऐसे आए जिनमें 360 का मल्टीपल हो रहा हो, तो फिर हम उसके मल्टीपल को ध्यान नहीं देते, उसके हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता।
हमसे 360 प्लस माइनस थीटा ही पढ़ लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, मैं आपसे कहने लगू नहीं सर साइन 750 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ 750। अभी तो हम 360 की बात कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा याद रख लो 360 के मल्टीपल। 360 के मल्टीपल होते हैं 360, 720, 1080, 1440, 1800, 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 1800
थर्टी लिख सकते हो. सेवन ट्वेंटी को आप क्या लिख सकते हो, टू इंटू थ्री सिक्सटी प्लस थर्टी. ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, टू को ध्यान नहीं देना है, टू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो सिर्फ किसको ध्यान देना है, 360 प्लस थीटा को. बताओ 360 में चेंज होता है या नहीं होता? नहीं होता. साइन 30 क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट. पहला फर्स्ट फर्स्ट में ऑल फर्स्ट पॉजिटिव. साइन 30 की वैल्यू 1/2. समझ में आया कुछ या नहीं आया? आ गया. सच बोलो. मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा फिर चुप मत हो जाना. चलो शाबाश बताओ. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, 2 की जगह -2 है जी. तो माइनस थीटा थीटा हो जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम है? वो तो वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा ना, हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई थोड़ा ही कर रहे हैं. वो तो 720 है, इसलिए हमने 2 × 360 लिखा है. हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं सर. आओ जी आओ जी आओ जी आओ. देखो एक क्वेश्चन बढ़िया वाला. और कहीं पे अगर पाई नजर आ जाए तो उससे डरना नहीं, या तो पाई में ही सोल्व कर देना है या पाई को 180 डिग्री का मान लेना है. तो अगर कभी आपसे पाई में कह दे और आप कहो कि पाई की वैल्यू हमें नहीं आती है तो डरना नहीं. चलो जी, पहले तो एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ. छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े बड़े तो नहीं. ये 5 क्वेश्चन हैं आपके सेकंड एक्सरसाइज में. तो एक एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, फिर उसको सॉल्व करते हैं. और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये आपको टकराते रहेंगे वैल्यूज. ये हमारे पास है. चलो भाई साइन 765 की वैल्यू बताओ जल्दी से. सब बच्चे साइन 765 की वैल्यू बताओ सब बच्चे. सर 1/√2. 1/√2. वाओ जी वाओ. साइन 765 की वैल्यू बताओ सब बच्चे. आ गया जी. कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू बताओ. ये एग्जाम में आएगा जरूर, आपके स्कूल में अगर एग्जाम होगा तो इसमें से एक, इन 5 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना. बताओ सर कोसेक आपसे कहा था सबसे पहले कोसेक माइनस थीटा को, माइनस कोसेक माइनस थीटा है तो ये चेंज नहीं होगा, कोसेक थीटा ही रहेगा. लेकिन ये माइनस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस में ये नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब ये हो गया 1410. तो 1410 क्या होता है सर, सोचो. ये होगा सर 1440 के करीब में. तो 1440 माइनस 30, 1440 क्या होता है सर, 1440 जो होता है सर 4 टाइम्स ऑफ 360 होता है. ठीक है, अब हमें सिर्फ 360 माइनस थीटा को सोचना है, 4 को नहीं सोचना है. 360 माइनस थीटा फिर भी चेंज नहीं होगा, कोसेक ही रहेगा. लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट आपका 360 माइनस थीटा फोर्थ है तो फिर ये माइनस में आएगा. लेकिन एक माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज व्हाट ट्रू. ठीक है जी. यस सर. मुबारक हो जी. चलो जी, हमारे पास क्या है, यहाँ बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं. टेन 19 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ. टेन 19 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ. मैं आपको लिए थोड़ा सा इजी कर दे रहा हूँ कि आप जो है पाई को 180 रख लो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो 360 आ जाएगा तो ये कितना आएगा भाई, 69 जा कितना होता है 54, 61 जा 6 और 5 कितना होता है 11, 1140. अब जरा इसे ब्रेक करो 10 1140 को, जल्दी करो. 1080 प्लस 60. हाँ जी, आंसर बताओ जल्दी से. अलग मेथड बता दीजिए कौन सा है.
मान के भी तो बनाया जा सकता है, लाइक 19 पाई बाई 3 10 6 पाई 10। मान के नहीं अदीबा जी, बस पाई में ही होता है, मान के थोड़ा ही होता है, पाई में दिया, पाई में कर दीजिए रेडियन। आपको आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास पाई बाई 2 होता है, पाई बाई हमारा पाई होता है, 3 पाई बाई 4 होता है, 2 पाई होता है, तो आप पाई में लेंगे 90 180 270 360। तो आपको यहाँ पे इसके 2 पाई बनाने हैं। देखो ये क्या कह रही है दीवा, आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये है 10 19 पाई बाई 3, ठीक है। तो अब इसे 2 पाई में लाना, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 18 पाई प्लस पाई। हाँ भाई सब बच्चे बताओ। Yes, ठीक है। अब 18 पाई बाई 3 क्या होगा, वो सिंपल हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ भाई समझ में आ रहा है कुछ। अब 6 पाई क्या होता है, क्योंकि 2 पाई 360 होता है, तो 10 3 × 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो बेटे वो कुछ थोड़ा ही है, बस वो रेडियन में आप सॉल्व कर रहे हो। तो अब आपके पास क्या सोचना है, आपको ये सोचना है 2 पाई का मतलब 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा फिर चेंज नहीं हो रहा है, तो 10 पाई बाई 3 आ रहा है। पाई बाई 3 क्या होता है, 60। तो 10 60 कितना हो रहा है, रूट 3। तो वो चेंज सॉल्व तो वही है, बस आपकी मर्जी है। अगर आपको डिग्री में समझ में आ रहा है तो डिग्री में कर लीजिए। सर फॉर्मूला सर 10 n पाई प्लस थीटा भी 10 थीटा होगा और 10 n पाई माइनस थीटा भी 10 थीटा होगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रहेगा पाई प्लस थीटा आपका जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो एक जगह प्लस में लगेगा, जगह माइनस में लगेगा। ओके सर। सर हो गया क्या ये? यस। और पाई के और पाई के और पाई के थीटा नहीं करना है, लाइक एन जो रहता है, सुन लीजिए दीपा जी, और पाई के साथ नहीं लगाना है, एन 2 पाई के साथ लगाना है। अगर पाई के साथ लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी। मल्टीपल जो लगाना है वो सिर्फ 2 पाई के साथ लगाना। आ गया भाई समझ में? तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मुझे बताओ, कौन बताएगा ये वाला, कर लेता। तो फिर हमारे पास 3 क्वेश्चन आपकी और बुक के हैं। ये वाला आंसर दो जल्दी से, फटाफट कौन बताएगा? कॉट माइनस 15 बाई 5 बाई 4, जल्दी बताओ। cot माइनस 15 पाई बाई 4 क्या होगा? cot माइनस थीटा करो पहले, फिर 15 पाई बाई 4 करो। अगर पाई बाई 4 को करना चाहो 45, तो पाई बाई 4 को 45 करो। 1 will be answer. 1 will be answer. वाह जी वाह वाह जी। हाँ भाई बाकी बटालियन बताओ आंसर। सर 1 वेरी गुड। हो गया सर सब बच्चों से? यस सर। आवाज तो आई नहीं सबकी। हाँ भाई हमारे पास क्या है, cot माइनस थीटा है। cot माइनस थीटा जो होता है सर, माइनस cot थीटा होता है। तो cot 15 पाई बाई 4, अगर आप इसे डिग्री में करेंगे तो 15 × 45 कितना हो गया भाई, माइनस cot 15 पाई 75 7 675। तो कितना हो गया ये, 720 में से कितना माइनस करो, 45। तो आपके पास क्या हो गया, माइनस cot 2 × 360 माइनस 45, ये हमारे पास हो गया। अब 360 माइनस थीटा अगेन माइनस cot 45 होगा, लेकिन बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस cot 45 1 होता है। ये इस तरह से होगा। खैर अब देखो जरा एक्सरसाइज 3.3 में, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज पे ही बेस्ड है। तो आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। वैल्यू कैसे, फर्स्ट वाले में तो कुछ करना नहीं है, फर्स्ट वाला तो एज इट इज है, आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर देता हूँ। पाई बाई 6 यानी कि 30 का मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। यस और नो? यस सर।
cos स्क्वायर pi by 3 60, cos 60 भी 1 by 2 होता है, तो 1 by 2 का स्क्वायर भी 1 by 4, और pi by 4 होता है 45, 10 45 1, 1 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया 1 by 4 और 1 by 4, 2 by 4, यानी कि 1 by 2 minus 1, तो फाइनली कितना आ गया आंसर minus 1 by 2, सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. हाँ भाई, अगर नहीं आया कुछ बच्चों की तो आवाज ही नहीं आती, अल्लाह का शुक्र, अपने आप को धोखा देते हैं, किसी को नहीं देते। अरे जब माशाल्लाह लड़ोगे तभी तो जीतोगे, क्वेश्चन से लड़ा करो। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, तो मैं आपसे कह रहा हूँ पाई 180 होता है, तो 180 बाय 6 लिखोगे बेटे तो 30 आएगा, 180 बाय 3 लिखोगे बेटे तो 60 आएगा, 180 बाय 4 लिखोगे बेटे तो 45 आएगा। अब आपको बताया साइन 30 1 बाय 2 होता है, उसका स्क्वायर कॉस 60 भी 1 बाय 2 होता है, उसका स्क्वायर टेन 45 1 होता है, उसका भी स्क्वायर 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1, आप सॉल्व करोगे तो माइनस 1 बाय 2 आएगा। तो ये तो आपको पता था। अब ये जो हमारे पास तीन क्वेश्चन है इसमें हमें वही जो हम यूज करते आ रहे हैं अभी जो हमने वैल्यू निकालनी सीखी है वो करना है। देखो तो ये आप 6 क्वेश्चन है इसमें, ये आपको करना है बस, और मैं इतना ही करा रहा हूँ जितना आप माशाल्लाह रोज करते रहे और आराम से, आपको कुछ ज्यादा लोड भी ना। ये हमारे पास है तो सब बच्चों को क्या है पाई बाई 6 की वैल्यू पता है, 180 बाई 6 30, साइन 30 आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। कॉस पाई बाई 3 भी पता है, कॉस 60, तो ये भी आपको पता है, ये 1 बाई 2 होता है, ये भी 1 बाई 2 होता है, तो आप रख दोगे। लेकिन मेन काम क्या करना है आपको, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालना, तो पहले इसको ही देख लो होता क्या है। कॉसक 7 पाई बाई 6 मुझे यूज करना है, तो पाई होता है 180, 180 बाई 6 होता है 30, 37 जो होता है 210, तो ये हो गया बेटे कॉसक 210। अब कॉसक 210 को क्या लिखोगे, 180 प्लस 30, सर अगर डिग्री फ्रैक्शन में आया तब कैसे सॉल्व होगा? मैं का ऑफिस में बैठेंगे जी बेटे, देखो सर यहाँ जो 210 डिग्री आया तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर कभी फ्रैक्शन में आ गया तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे मिनट और सेकंड में? दुनिया में ही ना होते तो फिर क्या होता है देवा? हम दुनिया में ही ना होते तो क्या, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा होता तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो श्योर शॉर्ट ही आएंगे, ठीक है बेटे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, और अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछेगा तो अब तो आपकी बुक में नहीं होता बेटे, एक मिनट में देख लूं एक्चुअली जो आप पूछना चाह रहे हो। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हुआ करती थी हर बुक में, आप लोग नेट पे सर्च करना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एक तो ये टेबल होती है 0, 30, 45, 60, 90 की, उस टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, एक बात होती थी जो आप पूछना चाह रहे हैं 30, 45, 60 से आगे भी, 0 degree, 1 minute, 30 minute, 20 second की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यूज निकाल, हमारे स्कूल में फिजिक्स वाले सर ने दी थी। हाँ वही तो उससे निकालते हैं बेटे वो फ्रैक्शन वाले, अब तो नहीं आती तो वो नहीं। दूसरी बात ये अब आपके यहाँ वो चीज़ है भी नहीं, यूज नहीं, इंशाल्लाह आप इंजीनियरिंग जाएंगे तो वहाँ यूज होती है वो चीज़, ठीक है बेटे। सारे एंगल्स की वैल्यू मतलब मिनट सेकंड, आप कहोगे 1 degree, 2 minute, 30 second की वैल्यू बताओ तो उसकी भी वैल्यू, बट अभी जो हमें वैल्यूज चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, बेफिक्र रहिए, वो 0, 30, 40, 60, 90 में ही आएगी। आगे पढ़ेंगे अभी, इससे आगे पढ़ेंगे जिस वैल्यू को हम नहीं सीख सकते उसकी वैल्यू कैसे निकालते वो भी पढ़ेंगे अभी जी बेटे। प्लीज ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, कॉसक 210 की वैल्यू सिर्फ इसमें रखनी है, तो कॉसक 210 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 क्या होता है भाई, चेंज नहीं होगा, कॉसक 30, कॉसक 30 क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटे, थर्ड, थर्ड में कॉसक क्या होता है नेगेटिव, कितनी वैल्यू आ गई माइनस 2, कितनी वैल्यू आ गई माइनस 2, अब जो हमारे पास है उसकी वैल्यू रख दीजिए बस। हमारे पास ये है बेटे जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, तो सब बच्चे देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेंगे
तो 2 साइन पाई बाई 6 साइन 30 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 बेटे माइनस 2 उसका भी स्क्वायर है ध्यान रखना और कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस 60 ये भी 1 बाई 2 होता है उसका भी स्क्वायर यस और नो यस सर बताओ 2 बाई 4 क्या होगा 2 बाई 4 प्लस 4 बाई 4 तो 2 बाई 4 हो जाएगा 1 बाई 2 और 4 बाई 4 हो जाएगा 1 तो 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 देखो राइट हैंड साइड क्या था हमारा 3 बाई 2 आ गया या नहीं आया आ गया सर जरा ध्यान से देखो यस प्लीज ध्यान से देखो चार क्वेश्चन तो आपके पास ये है और एक क्वेश्चन आपके पास ये है आपको बस इतने ही क्वेश्चंस आज करने हैं इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी ठीक है सर और सर, कल का टाइमिंग बता दीजिए अभी फिक्स कर लेते हैं और कल भी ट्रिग्नोमेट्री ही लेंगे ठीक है ट्रिग्नोमेट्री खत्म करें ये देखो जरा ध्यान से cos 180 plus theta cos minus theta sin 180 minus theta cos 90 plus theta what is तो ये भी आपको करना है मैं नहीं कर रहा और जी एक क्वेश्चन और ये कौन सा है हाँ ये बाबा ये क्वेश्चन भी आपको करना तो ये 6 क्वेश्चन आपको थर्ड एक्सरसाइज से सब बच्चों को करने हैं जिसको नहीं आएगा पूछेगा इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करना कर लेंगे यस सर हो जाएगा